अभी जो हम आपको मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं उसका फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हम मिक्सर से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो अभी मैं आपको रॉ मटेरियल का पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। आपका इसमें मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, शुगर है और देन और भी चीजें होती है जैसे फ्लेवर्स वगैरह। जैसे कि देख लिया आपने हमारा ये रॉ मटेरियल पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। कितनी देर में माल मिक्स हो जाता है आपका? ये 10 से 15 मिनट में पूरा रॉ मटेरियल आपका रेडी हो जाता है। इसमें जो कितना माल एक साथ हम मिक्स कर सकते हैं, बैटर कितने एक साथ बना सकते हैं? आप एक बार में इसमें कम से कम 25 से 30 केजी आराम से बना सकते हो। हमारा सेकेंड प्रोसेस है, अब हम मशीन में ऑयलिंग करेंगे। आप ऑयल में कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डालडा, रिफाइंड, जो भी हो आपके पास आप वो यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ऑयलिंग हो रही है, डाइज में इसलिए ऑयलिंग लगती है, प्रोडक्ट में चिपके नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ट्रे है, हम इसमें रॉ मटेरियल को डालते हैं, ये डाइज के अकॉर्डिंग आता है। ये हमारी मशीन है, इसमें एक बार में आपके 12 पीसेस बनेंगे, 90 ml की है। अब हम इसमें रॉ मटेरियल डालेंगे। अब जो हम ये डालेंगे ये आप देख सकते हो हम इसमें रॉ मटेरियल को डाल दिए। अब इसको 2 से 3 बार अप डाउन करना होगा। अब ये आपका अभी 2 मिनट में, इसका 2 मिनट टाइम होता है, आप देख सकते हो टाइमर वगैरह लगे हैं हमारे। एक आपका ये हीटिंग का है और ये आपका टाइमर है, टाइमर आपके चल रहे हैं आप देख सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें बेल का आपका सिस्टम भी दिया गया है, हो गए इसके। हाँ अब रेडी हो गया है, अब ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख अब इसकी कटिंग होगी, ये आपका इससे कटिंग करने से क्या होता है आपके ये सेफ अच्छे आ जाते हैं, इसके ये एक्स्ट्रा होता है जो वो आपका, ये अब आपका हो चुका है क्लीन। अब इसको यहां से ओपन करेंगे। आपके कप्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारे एडिबल कप बनकर रेडी हैं। अब हम इसमें करने वाले हैं सर्फ चाय, और चाय डालकर अभी हम पिलाने वाले हैं मैम को। मैम इसमें ये कप खराब नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी मैं आपके सामने ही चाय डाल के और आपको पिलाऊंगी भी और इस कप को टेस्ट भी करवाऊंगी। सो दोस्तों ये कप तो बन गए, बट अब मैं खुद टेस्ट करना चाहती हूँ कि सही में ये कप एडिबल है, इसको मतलब खा सकते हैं लिटरली में, और सही में ये बिस्किट की तरह यूज होता है, और इसमें चाय कितने टाइम तक रहती है ये भी चेक करेंगे कि अगर हम इसमें गर्म गर्म चाय डालते हैं तो इसका क्या होता है। तो मैम थोड़ा सा दिखाइए। बिल्कुल मैं आपको अभी चाय डालती हूँ, मैं खुद दोस्तों डाल के देख रही हूँ। मैम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे दिखा देना, ये देखो बिल्कुल गर्म चाय है इसके अंदर डाली है हमने, ये देखो ये देख सकते हो आप, इसके अंदर बिल्कुल गर्म चाय डाली है, और इसको मैं आपको पूरा पी के उसके बाद फिनिश करके खा के दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्म चाय है दोस्तों, ये देख सकते हो बिल्कुल गर्म चाय है, आप देख रहे हो कहीं से अभी बिल्कुल गर्म है, कहीं से बिल्कुल अभी गीला गीला दिख रहा है आपको, कहीं से गीला गीला नहीं दिख रहा है, कहीं से लीक नहीं होगा मैम। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें मैंने अभी चाय पी थी, बट अब इसको मैम ने जैसे कि कहा कि इसको खा भी सकते हैं तो इसे खा के देखते हैं। ये आप इसे नीचे से ऐसे खा सकते हो, देखो अब देख रहे हो चाय पीने की वजह से आराम से आप खा सकते हो, आप चाय के साथ भी इसको टेस्ट कर सकते हो। देन चाय आपको इसमें जब सर्व करते हो, चाय पीते रहते हो तो उसको बाइट ले सकते हो, ताकि आपका वो बिस्किट का काम करता है चाय के साथ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया मैम को चाय पिला के कप में, तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई झूठ नहीं था, कोई वो नहीं था, मैंने आपके सामने ही मैम को चाय डाल के सर्व किया था, मैम ने कप को भी खा के दिखाया, तो बहुत ही हाइजीनिक होता है। देन आपका ये कप जो है अभी मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, तो सो दोस्तों आप भी ट्राई कर सकते हो ये मशीन लगा के कप सेल करने का और इसको प्रॉफिट मार्जिन कमाने का। तो सब कुछ सारा प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे कि ये मशीन जो आती है आपकी 60 ml से लेके 110 ml तक की आती है, आप इस मशीन में 60 ml से लेके 110 ml तक बना सकते हो कप। रही बात आपकी प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन ये है कि आपको पर कप पे कमाने वाला 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए कमा सकता है, अगर स्टार्टिंग आप करते हो तो पर कप पे 1 रुपए आप मार्जिन पा सकते हो। मैम कॉस्टिंग आपकी जो आप बनाते हो एक कप, वो 1.5 रुपए का पड़ता है। ठीक है मैम, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो एक घंटे में या पूरे दिन में
काम करे तो कितना प्रोडक्शन कर सकती है मतलब? वो आपके डाई पे डिपेंड करता है, आप कितने मोल्ड की डाई लेते हो, जैसे कि 12, 24, 32, 40, 36 ऐसे आते हैं हमारे। ये जो हमने अभी बनाई 12 मोल्ड वाली, ये 12 मोल्ड वाली है, इसमें क्या प्रोडक्शन क्या है? इसका आपका 250 से 300 पीसेस पर आवर्स के होते हैं। ठीक है मैम, अगर जैसे किसी को आपका बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए किसी को ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, तो अगर ट्रेनिंग चाहिए होती है कोई बंदा यहाँ पे आता है बट अगर कोई दूसरे स्टेट में, तो उसको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? तो मैम वो जो भी मशीन परचेज करते हैं सर लोग, उनके घर हमारा टेक्नीशियन जाता है, वो उनको ट्रेनिंग देते हैं 1 से 2 दिन का, जब तक वो सीख नहीं जाते तब तक वो आते नहीं है, वैसे भी सब 1-2 दिन में सीख लेते हैं, तो उनको पूरी ट्रेनिंग उनके घर पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है मैम, मशीन की कोई गारंटी वारंटी भी रहती है? जी 1 ईयर गारंटी होती है, 1 ईयर वारंटी होती है। ठीक है, और वारंटी पीरियड के बाद अगर मशीन में कुछ होता है तो वो हमारे टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, और अगर आपसे मैं मशीन लेनी हो तो थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिए क्या रहता है? अगर आपको मशीन परचेज करनी है तो हमारा आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन पे, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। वैसे हमारा जो कंपनी है स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है, आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ये आपका न्यू दिल्ली जनकपुरी जनक सिनेमा पड़ता है, और हमारा नियरेस्ट जो दाबड़ी मेट्रो स्टेशन है, आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारा वो दाबड़ी मेट्रो स्टेशन लगता है।